वेलकम बैक जी मरियम। खबर है कि घर में फिल्म स्टार मीरा के पोस्टर लगाने पर बीवी ने शौहर से अलैदगी का मुतालबा कर दिया। सही किया वैसे सर। ऑफ कोर्स आई एम द कमिंग सून। अच्छा ये कैसा घमंड होगा जिसने मीरा की तस्वीर कमरे में लगा रखी और बीवी कहती है कि ये इसने शादी से पहले की लगा रखी है। ये मेरे साथ हो चुका है। एक लड़की ने मेरी तस्वीर अपने बेडरूम में लगाई। मैं समझा आपकी बेगम ने किसी एक्टर की तस्वीर। ये मुझे समझ नहीं आई कि वो कौन शख्स था। हालांकि मैंने आपको बताया नहीं, मैंने भी इनकी तस्वीरें लगाई हुई अपने बेडरूम में। तुम्हारे पास बेड है? तेरे सामना मैं बोरी से सोना अन्नी दिए। बोरी से याद आया आप सूट कहाँ से सिलवाते हैं? सब बहुत पुरानी बातें हैं। पाइन छटो दिया पुरानी गल्ला। ए बूट इस दफा मैं लेने थोड़े को। ये कौन है भाई? वो भी मेरा भाई है। तो फिर ये जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है ये भी मेरा भाई है। और ये मेरा भालू है। चले छोड़ो इस बात को, मेरी बात सुनो। मैं ये चाहता हूँ कि आप अब फिल्में छोड़ दें, आप घर बसा लें। तुसी बयान नहीं सुने दा? ओ कहंदी है मैं इस मुल्क च रहना नहीं, हुन मैं चले जाना है। आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कंट्री। नो नो नो, अगर आप इस मुल्क में नहीं रहेंगी डेफिनेटली मैं भी नहीं रहूंगा। ये तो करो प्लीज। ये तो एहसान होगा तुम्हारा इस कॉम पे। वैसे आपको खुशकी पे आए हुए कितनी देर हो गई? आपको पता है मैंने भी चैनल शुरू किया है। वो कौन सा? आप न्यूज़। हैं? उधर इधर क्या देख रहे हैं? तुसी तो कैसी तेरे ही घर। ये चैनल का आइडिया कैसे आया? बास काम होते हैं जो इरादा तन नहीं आप करते, वो लिखे होते हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं तो आपके शो में जब भी आता हूँ ना जी, खलारा ही पै जांदा जी। नहीं नहीं, मैं इनके लिए आता हूँ। मोहब्बत ये नहीं देखती कि कौन पीछे और कौन आगे है। मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत टीरी भी होती है। मोहब्बत मोटी भी होती है। अब जब तुम्हें ये बातें करनी चाहिए, बहन के सर पे पल रहे हो तुम। तुम जैसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। और कादा डूब के मर जाए मेरे शो। कभी उनसे शर्ट मांग रहे हो, कभी उनसे शूज मांग रहे हो। तो मेरे भाई ने मंगा ना, दसो हां तुसी नहीं है मेरे भाई। ये बकवास है। कोई बकवास नहीं, इवन ड्रामे की हद तक ये बकवास है और बहुत ही बोंडा। नहीं मीरा अपने भरा का इलाज क्यों नहीं करांदी? आप भी इसी मोहल्ले में होती? हाय मेरे भूए के बैठे हो तुसी। शादीशुदा हैं आप? आहो खैर नाल शादीशुदा। तू शनाख्ती कार्ड बनाना है? नहीं ते भाई ने कभी नजर नहीं आए, डाके डुके मार दे। अच्छा मुझे ये बताइए, बर्थडे गिफ्ट मिल गया था आपको? नहीं मुझे नहीं मिला। अभी पुराने दोस्तों को नहीं भूलते, अल्लाह आपको और इज्जत दे। हमारी आपको ये थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाती? अगर साहब यहाँ पे वैक्स होती है, थ्रेडिंग यहाँ पे होती है। ये तो ना, ये तो किसी खुसरे को पता हो सकता है ना। अब मुझे तो नहीं पता कि कहाँ क्या होता है। कैसी अच्छी बात है कि यही मोहब्बत आज से कोई 20 साल पहले कॉलेज में पढ़ता था मैं। आप किस कॉलेज में पढ़ते थे जरा बताएं तो सही। मैं जीसी में एक लड़की हुआ करती थी मेरी क्लास फेलो, उससे आफ्ताब मुझे बड़ी मोहब्बत थी। बस वो कोई इत्तफाक ऐसा हुआ कि उसने आपको देख लिया और डर गई। जब मेरा उसका आमना सामना हुआ ना, वो अपने माँ प्यो ले आई। उन्हें शादी कर लेनी, उन्हें कंटीन ते किसी समोसे खांदे देख लिया। मैं हॉस्टलाइज था वहाँ। हॉस्टलाइज होता है आगा साहब? हमारी कैंटीन के समोसे बहुत अलग, लेकिन हॉस्टल की नहीं कॉलेज की। मैं नहीं, हॉस्टल से मैंने कभी कोई चीज नहीं खाई। खान भी नहीं सी देंदे। छह साल रहा हूँ उस हॉस्टल में। मैं 7 साल रहा हूँ। मैं उसका चीफ प्रीफेक्ट था, मैंने आपको कभी दूर से भी नहीं देखा। साल उन्होंने बनी रखे होते। एक कॉन्सर्ट था वहाँ, लड़कों ने मुझे कहा कि आप भी गुनगुनाया करता था मैं ऐसे। अच्छा तब तो अगर सब आप जीन्स पहनते होंगे स्मार्ट। ये हाथों में जीन्स पहनते थे। लतांचते होंगे। एक वक्त मैं बड़ा स्लिम स्मार्ट हुआ करता था। यकीनन ऐसा ही होगा, आप पैदा होने से पहले की बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद गाना वाना हो गया, वो इवेंट खत्म हुआ, फिर वहाँ स्पोर्ट्स शुरू हो गया कुछ दिनों के बाद। आप कौन सी गेम खेलते थे? मैं हॉकी बड़ी अच्छी खेलता था। तो आप हॉकी का करते क्या थे? सारे हॉकी खेलते होंगे, लात च फसा के बाहर मांग रहा होंगे। हॉकी खेलता था, हॉकी में मैंने बड़ी अच्छी सेंटर फॉरवर्ड खेलता रहा हूँ मैं। और तो नाना को खेले जाए, तू सेंटर से खेल रहे हैं। तुम मचाफता, आप अगर नहीं सुनना चाहते, तमस्खर नहीं उड़ाए मेरा प्लीज। मैं उड़ा रहा हूँ? आप उड़ा। ये मैंने कहा है कि और तो फिर कोई ना खेले अगर तुम सेंटर में। नहीं वो तो आप इसको कंडेम। उसने लाख रुपए का फिक्रा कहा है। कंडेम करें आप इसे। मैं क्यों कंडेम करूं? एक खुशगवार बात को। अच्छा बात सुनो, हॉकी में आपके फेवरेट कौन थे? निकन सरदार। जीसी कॉलेज में उनकी नहीं, वो तो मैं
और ये जो उन लोगों को एजाजात मिले हुए ना, मुझे भी जीसी में फ्लाइंग हॉर्स कहते थे। आपको फ्लाइंग काउ कहते होंगे या फ्लाइंग कोच कहते होंगे। नहीं, मुझसे फिर गलती हुई। फर्स्ट ईयर में पढ़ा मैं, गलत कह गया हूँ मैं। तो लड़कियां फिफ्थ ईयर में आती हैं, यानी मैं हूं तक जरा वाक्य सुना बकवास की थी। एब्सोल्युटली पढ़े हैं यार, तू तो चुप कर यार। फिफ्थ ईयर सिक्स्थ चुपकी कर, तेरी खुदा की कसम तंदूर वाले अलगी शक्ल है। तू कॉलेज पढ़ता है, एहो जिहा रंग उन्हां दा हुंदा थले रोटी लाउण जांदे। अब ये तुम अपना इंतकाम ले रहे हो, जब बस्ट हो गए हो, पकड़े गए हो। अब ये सारी बातें जो ना आफ्ताब ख्वाब लगती है, ख्वाब लगती है। एग्जैक्ट ओलंपिक में मैं मतलब चैंपियन था, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ओलंपिक नहीं होता, ओलंपिक्स होता है। नहीं, एक रूटीन में बंदा कह देता है, एक रूटीन में बंदा झूठ बोलता चला जाता है और हम सुन रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट इनू अग वाली मशीन देती है घर लेके आ गया, अम्मी नू कहंदा इत्थे कुछ पका। ओलंपिक्स में आप एज ए क्या गए थे? नेजाबाजी मैंने की, घोड़े पे बैठा, घोड़ सवारी पे, वो जो किला उखाड़ते हैं घोड़े पे बैठ लगा, घोड़े ने नेजा पाड़ लिया। बंदे नूं अदालत च बिठाना चाहिए, तू झूठे बंदे फड़ने। आपने गोला भी फेंका था, वो जो बड़ा सा होता है आपकी तरह का? वो इतना बड़ा नहीं होता, बड़ा वो उतना ही मुनासिब होता है। वो जो हाथ पे रख के फेंकते हैं वो और होता है, जो जंजीर के साथ घुमा के फेंकते हैं वो और होता है। जंजीर वाला मैं नहीं सुटा, देखो मैं ना सारी गल से झूठ बोलिया ना हूं बोलांगा, लेकिन ये तो फेंका हुआ है। ये फेंका, इसका नाम क्या है? इन्हें सुटाया कोई नहीं, इन्हें भेजता जाके। उसको शॉर्ट पट कहते हैं, शॉर्ट पट। काफी ये जो बांस होते हैं जिससे इस तरह जंप लगा के आगे राउंड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मुझसे पूछ ले आप, उनसे पूछ रही। वो क्या होता है? पोर्ट वॉल, पोल वार्ट, पोल वार्ट कहते हैं। उसका भी मैं चैंपियन था कॉलेज में। तो अभी तुम पोर्ट वॉल के हो जाता है। आपने पोर्ट वॉल की थी? पोल वार्ट, पोल वार्ट। आज तुम पोर्ट वॉल करके आए? दूर से मैं भागा आया ना जी, किसी ट्रक में लगे। जब जैसे ही मैं उस हदफ पे पहुंचा, मैंने यूं करके किया, स्टेडियम का डक्का खुल गया। सारे स्टेडियम जो लोगों ने क्लैप की थी, भी 8 दिन तो बंदा खप रहा सी, एक मिनट चुको। दौड़ में भी हिस्सा लिया है वो जो भागते हैं? वो तो मुख्तलिफ होती है ना, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, और मुख्तलिफ रेसेस होती है, फ्लैट रेस होती है, रिले रेस होती है। आप कौन सी रेस में गए? मैराथन भागा हो गए। हाँ मैराथन सर, वो चलाते नहीं दौड़न तो पहले गोली ठा करके फिर दौड़ते हैं। वो इधर दौड़े घर दौड़ पे लालच पौना यह गेम से जिते गोलियां चलन दी। साइकिलिंग की है आपने इसमें? नहीं, साइकिलिंग को मेरा इतना शौक नहीं था ना, मैं उसको इतना लाइक करता था वैसे मैं। हालांकि ये वाहिद काम था जो कुदरती तौर पे इसे आता है और ये सारी उम्र करता रहा। कि मैं अखबारा सोटता से कर रहा हूं। आपकी डाइट क्या है? डाइट मेरी जब वो अपने आपकी जो डाइट ये बहुत रास्कल है ये बंदा। कसम खुदा दी मैं इथे आ गया ना, मैं लत मरोड़ देंगा उठ के। लत मरोड़ी से कह रहा हूं मैं आपसे, कह रहा हूं आप मुसलसल जो है ना तमस्कर उड़ा रहे हैं। अच्छा, इन भांड मिरासियों के साथ मिलकर आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। आपका जो ब्रेकफास्ट है वो अबड़े। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। नासिर जी, ये मसला है तुम्हारा बच्चे हो, बहुत परेशान लग दी है। बाबा जी मेरा मसला बड़ा गंभीर है, मेरी तो नींदें उड़ गई हैं जी। की होया? 5 साल हो गए जी हमारी शादी को, अभी खुशी नहीं मिली। यानी के हुआ हुआ? हाँ जी। रौनक लग जानगियां, ताड़े को सामने नहीं जान के पूरे महल्ले च कुरल कुरल हुंदी रहेगी। इना दे बच्चे है या बांदर दे? रावण दा नाम की है? मोहम्मद शबीर। तेरा नाम की है कुड़िए? मेरा नाम मोहम्मद शबीर है, ये मेरी बीवी है जी। अच्छा, ते बीवी ये है? हाँ हाँ जी। लगाड़ा मेनू अजकल नींद नहीं आती। ये बच्चे किन्ने हैं? अरे जी 15 बच्चे। बाबा जी इन्हें सुवा दियो, नहीं तो 30-35 हो जाने। बाबा जी
एक और मसला भी है या। मुझे ना इन पे शक है थोड़ा सा। मोटे थे आजकल ना बड़ा त्याशार होके जाते हैं। एक है तुसी खुशबू लगा के जाते हैं। खुशबू ला के जाना है। हाँ जी शक्लो ही खुसरा लगना लाद कितों होनी है तेरे खामद नु चिल्ला करना पड़ेगा के दे मेरे मेरी बात करें। हाँ जी हाँ जी तेरे खामद नु और ना बड़े तेज तेज रंग पहनते हैं लाल रंग की शर्टे पीले रंग की शर्टे मैं तो लगता हूं भी शर्ट तेरी पाई है उत्तर तुहाडे बच्चे नहीं होने तू अपना खामद मौत दे खूह वाले नु डोनेट कर दे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇ ਜਾ ਕਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਆ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਫੋਟੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੰਜ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਮੜੇ ਚ ਮੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾ ਬੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।